हाय के चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची। हाँ, जानता हूं कि यार थोड़े दिनों से वीडियो नहीं आ रहे थे, 6 दिन हो गए थे, बट आप परेशान मत होइए। मैं जानता हूं आप लोगों का गेट का पेपर हो चुका है, बढ़िया ही पेपर गया होगा, आप लोग के अच्छे मार्क्स आने वाले होंगे, और जिनके नहीं भी आ रहे उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ लाइव आपके लिए लेकर आएगा बेटर ऑप्शंस, बहुत ही कम गेट स्कोर में भी एक अच्छा IIT NIT IIIT लेने की अपॉर्चुनिटी। आज उसी के ऊपर एक कंटेंट के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमटेक स्टूडेंट लाइफ एट NIT कैलिकट, बट ये स्पेशली मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए है। एंट्रेंस एग्जाम हमेशा आपका गेट रहने वाला है, गेट में जो आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आपकी CCMT की काउंसलिंग होगी जो कोई NIT कंडक्ट कराएगा, जिसके थ्रू सारे NITs और बहुत सारे GFTA फिल किए जाते हैं। हाँ, आपके CCMT के थ्रू IITs फिल नहीं होते हैं, क्योंकि IITs के लिए सेपरेट फॉर्म्स निकलते हैं, आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है। अब क्या परेशान मत होना, CCMTs के ऊपर भी हम लोग जल्दी ही बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आएंगे। तो पहले जानते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच है। तो आप पहले इस पर गौर कर लीजिए स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पहली ब्रांच का नाम लिखा हुआ है एमटेक एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ड्यूरेशन 2 साल, प्रेजेंट इंटेक सीट मैट्रिक्स कितना है 20 स्टूडेंट का, ईयर ऑफ कमेंसमेंट कितना है 1984, मतलब सबसे पुरानी ब्रांच है यहाँ की। उसके बाद आ जाता है कि एमटेक इन थर्मल साइंसेस, यहाँ भी सीट मैट्रिक्स 20 बच्चों की है, 2 साल का प्रोग्राम है, 1989 में ये भी स्टार्ट हुई थी। फिर आ जाता है एमटेक इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 साल का प्रोग्राम है, सीट मैट्रिक्स 20 स्टूडेंट की है, 1989 में ये भी स्टार्ट हुई है। फोर्थ ब्रांच है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, यहाँ भी सीट मैट्रिक्स 20 स्टूडेंट की है, 2000 में स्टार्ट हुई है। अगली ब्रांच का नाम है एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ये भी 20 स्टूडेंट के साथ सीट मैट्रिक्स में, 2000 में इसकी ब्रांच की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बच्चों की ब्रांच देखिए, एमटेक इन मशीन डिजाइन, इसमें 13 स्टूडेंट का ही रिक्वायरमेंट है अभी, और 2014 में ही स्टार्ट हुई है, मतलब मशीन डिजाइन यहाँ की एक नई ब्रांच है। ये तो हो गई यहाँ पर हमने बात की, हमने यहाँ पर ब्रांचेस की बात की, अभी हम यहाँ पर ब्रांचेस को भी कंपेयर करेंगे किसकी स्टडी के बेसिस पे और इसके प्लेसमेंट के बेसिस पे, पूरा हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं अगर आप लोगों को अगर ये कॉलेज चाहिए तो आपके कट ऑफ्स वगैरह क्या रहने चाहिए। तो जिसमें मैं अभी आपको कट ऑफ्स दिखाऊंगा वो CCMT के स्पॉट राउंड 2 के कट ऑफ्स है, मतलब बहुत ही कम चले जाते हैं आगे कट ऑफ्स, तो बहुत कम गेट स्कोर में भी आपको ये कॉलेज बहुत बढ़िया मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी है, बस बने रहिएगा। चलिए कट ऑफ्स की तरफ गौर करिए आप एक बार। तो मशीन डिजाइन में तो यहाँ पर सीट्स फिल हो गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूँ मशीन डिजाइन का जो मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर गया था वो अराउंड 630 गया था, लास्ट कट ऑफ है ना, स्पॉट राउंड 1 में ही सारी सीटें खत्म हो गई थी। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में सीट्स वैकेंट थी, तो जनरल का लास्ट कट ऑफ गया था 598 से 589, ठीक है माइका। और अगली ब्रांच आ जाती है मटेरियल साइंस, तो 516 से 515 जनरल में बुक हो गई थी। नैनो टेक्नोलॉजी 491 to 483, उसके बाद आ जाती है आपकी थर्मल साइंसेस, तो 646 पर क्लोज हुई थी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, तो ये ब्रांच का कट ऑफ 613 पे भरा था, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ बहुत सारे लोगों से हो जाती है, तो इसका डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर स्टडी वगैरह कैसी होती है। स्टडीज में बताऊँ मैकेनिकल ब्रांच की, आप कोई भी ब्रांच हो, काफ़ी अच्छी स्टडी होती है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, क्यों अभी जो HOD जो मैकेनिकल को लीड कर रहे हैं, यहाँ के HODs वगैरह बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स, करोड़ों रुपए की मशीन्स यहाँ पर इंस्टॉल की जा रही है बच्चों के ग्रोथ के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। पढ़ाई के मामले बहुत अच्छा है, लैब्स के मामले बहुत अच्छा है, आपको यहाँ पर TA duty मिलेगी, तो TA duty इसलिए ज़्यादा रखी जाती है, क्यों, क्योंकि बच्चा आफ्टर 5 मतलब जब कॉलेज बंद होने का टाइम हो जाता है या लैब बंद होने का टाइम हो जाता है, उसके बाद भी बच्चे काम कर सके, इसलिए उनको TA duty वगैरह भी आराम से दी जाती है। अटेंडेंस का यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आपको कोई भी दिक्कत अटेंडेंस की आपको यहाँ पर इस ब्रांच में नहीं देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर जो ब्रांचेज हैं, अगर हम स्टडी के बेसिस पे कंपेयर करने जाएं तो कौन सी ब्रांचेज सबसे बेस्ट है। तो सबसे ऊपर नाम आ जाता है थर्मल का, उसके नाम बाद आता है मशीन डिजाइन का, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का, उसके बाद एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का, उसके बाद मटेरियल का, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी का, और उसके बाद IEM का, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। अभी आपको पता चलेगा यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं। अगर प्लेसमेंट के बेसिस पे कंपेयर करने जाओगे ना जब आप, तो प्लेसमेंट के बेसिस पे कंपेयर करोगे तो मशीन डिजाइन और थर्मल बराबर है यहाँ पर प्लेसमेंट के मामले में। उसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट भी बराबर है, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी भी बराबर है, सबसे वर्स्ट ब्रांच है यहाँ की IEM,
जबकि अगर आप एनआईटी त्रिची में देखोगे तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है ना वो आईईएम ब्रांच का जाता है, सबसे बेस्ट ब्रांच है आईईएम एनआईटी त्रिची की, और यहाँ की सबसे बेस्ट ब्रांच जबकि सबसे पुरानी ब्रांच है। और इस कंफ्यूजन में कई बार लोग आईईएम ले लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर पर्सन हो गया, अब इंटर्नशिप की बात कर लेते हैं। इंटर्नशिप्स के लिए बहुत कम कंपनीज आती है, कोर कंपनीज तो बहुत ही कम आती है। आप ये समझ के चलिए एमटेक में आपको ना के बराबर कोर कंपनीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। हाँ, दो तीन कंपनी जैसे बड़ी कंपनी बताऊंगा तो जनरल इलेक्ट्रिक वगैरह यहाँ पर आती है, एक दो बच्चों को इंटर्नशिप देते हैं, बात अलग है। बाकी हाँ, कॉलेज में इंटर्नशिप आती कम है, लेकिन अगर आप बाहर से इंटर्नशिप जुगाड़ लेते हो तो कॉलेज आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेगा, आपको सपोर्ट करेगा इंटर्नशिप के लिए। आप एक एक साल की इंटर्नशिप, डेढ़ साल की इंटर्नशिप कर सकते हो, कॉलेज आपको फुल टू सपोर्ट करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस कॉलेज के अंदर। रिसोर्सेज में आपको ई लाइब्रेरीज हो गया और बहुत सारी आपके वेबसाइट जैसी होती है, रिसर्च वेबसाइट लाइक साइंस डायरेक्ट वगैरह, ऐसी कई सारी वेबसाइट्स के एक्सेस फ्री में मिल जाएंगे आपको इस कॉलेज से। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब कर लेते हैं हम लोग प्लेसमेंट्स की बात। प्लेसमेंट्स का आप देखिए एक बार, ये जो सामने आपके स्क्रीन आ रही होगी तो आप बेटर समझ पा रहे होगे। तो देखिए प्लेसमेंट का आपको सीन दिखाता हूँ अभी 2020 का। 2020 के जो डाटाज हैं वो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं, बट ये बताया गया है कि पीजी के 186 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये है, उसके बाद 2021 में जो ग्रेजुएट है उनका बताया कि अभी तक 35 बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। चलिए अब आप यहाँ देखिए प्लेसमेंट का आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले प्लेसमेंट की बात करते हैं एनर्जी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 बच्चे रजिस्टर्ड हुए थे जिनमें 2 का प्लेसमेंट हुआ, और उनके हाईएस्ट और एवरेज मिनिमम पैकेज क्या रहे थे, 800,000 और 6.80। उसके बाद आप देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर 8 बच्चों में 1 का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ, आप समझ सकते हो कितनी वर्स्ट ब्रांच है यहाँ की। उसके बाद बात करते हैं मशीन डिजाइन, 9 में से 4 बच्चे प्लेस हुए थे, हाईएस्ट पैकेज 16.35, मिनिमम पैकेज 6.25। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल साइंस की, 12 में से 5 बच्चे प्लेस हो गए थे, हाईएस्ट पैकेज 48.50, लास्ट पैकेज 4.80। अगले बार कंपनी की बात कर, मतलब ब्रांच की बात करते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, 14 में से 6 बच्चे प्लेस हुए, हाईएस्ट पैकेज 10.20, मिनिमम पॉकेट पैकेज 6। उसके बाद बात करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग की, तो 10 में से 3 बच्चे प्लेस हुए थे, ये 2019 के स्टैटिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को, 10.20 का हाईएस्ट पैकेज था, 4.80 का मिनिमम पैकेज था। उसके बाद आती नैनो टेक्नोलॉजी, 6 बच्चे रजिस्टर्ड हुए, 1 का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब आप लोगों में बहुत सारे सोच रहे होंगे यार बहुत अच्छा प्लेसमेंट है कुछ ब्रांचेस में, तो आपको रियलिटी बताता हूँ। रियलिटी ये है कि कोर कंपनीज में प्लेसमेंट ना के बराबर है। यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द प्लेसमेंट होते हैं वो बैंक्स में होते हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। कोर कंपनीज में मुश्किल से मुश्किल 2-3 बच्चों का प्लेसमेंट होता है, चाहे वो थर्मल हो, मशीन डिजाइन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जिनमें भी आपने प्लेसमेंट देखे हैं, या फिर प्लेसमेंट बहुत सारे बच्चे बाहर से अपना ऑफलाइन प्लेसमेंट ले लेते हैं तो इस लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। एनआईटी त्रिची में मैकेनिकल का प्लेसमेंट काफ़ी ख़राब है, बस थर्मल और मुझे मशीन डिजाइन का ही प्लेसमेंट अच्छा समझ में आया, और बाकी सब ब्रांचेस का बहुत ही एवरेज है। अगर कंपैरिजन करने पे जाएं, आपको एनआईटी त्रिची मिल रहा है ना, एनआईटी त्रिची की आपको अगर कोई भी ब्रांच मिल रही आप उठा लीजिए एनआईटी कैलीकट से ऊपर। हाँ, अगर मशीन डिजाइन अगर आपको एनआईटी कैलीकट की मिल रही है तो आप लोअर ब्रांचेस एनआईटी त्रिचुनापल्ली की छोड़ सकते हो, नहीं तो कोई ब्रांच मत छोड़िए। एनआईटी सूरतकल और एनआईटी वारंगल में भी सेम बताऊंगा, मशीन डिजाइन थर्मल मिले ले लो, मैन्युफैक्चरिंग मिले ले लो, ठीक है। आपको सूरतकल में भी टिल मैन्युफैक्चरिंग तक मिल रहा है ले लो, उसके नीचे की ब्रांचेस लेने का मतलब इस कंपैरिजन बता रहा हूँ एनआईटी कैलीकट से। आईईएम ब्रांच मत प्रेफर करिए, मैं कहूँगा आईईएम ब्रांच काफ़ी ज़्यादा खराब है, उसके कंपैरिजन में आप लोअर ब्रांचेस ले लीजिए, या फिर ऊपर के जो एनआईटीज हैं, एनआईटी कुरुक्षेत्रा वगैरह, वहाँ की भी कोई ब्रांच ले लो आप, चलेगा, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो था एनआईटी कैलीकट का, मैंने बताया गुड और बैड पॉइंट्स में। मुझे यही लगा कि यहाँ पे लैब्स बहुत अच्छी है, स्टडी बहुत अच्छी है, ये सब कुछ बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। बैड पॉइंट्स में ये है नॉर्थ इंडिया के बच्चे को खाना वाना का थोड़ा दिक्कत रहेगा, थोड़ा साउथ इंडियन कुजीन ज़्यादा मिलता है, तो इसका आपको दिक्कत फेस करने को रह सकता है। बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम एनआईटी कैलीकट के साथ समझ में नहीं आई। वन ऑफ द ग्रोइंग एनआईटी, आप देखोगे इसकी एनआईटी रैंकिंग हर साल चेंज हो रही है। ये पूरा रिव्यू किया मैंने एमटेक एंड मैकेनिकल एट एनआईटी कैलीकट के ऊपर, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब कर लेते हैं छोटी सी बात, अगर आप लोग चाहते हैं कोई मैं आपके कॉलेज के लिए रिव्यू करूँ, या आप अपनी मदद से अपने कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है, तो जाइए उसे फिल कर दीजिए और बताइए, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए। बाकी आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर कोई भी डाउट से पूछिए, मुझे ज्वाइन करिए, मेरे साथ जुड़िए, आपकी मैं लगातार हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर मारिएगा यार, नीचे एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा, डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हो,
बट वीडियो पूरा देखा करो तब डाउट पूछा करो। कई बार लोग फीस स्ट्रक्चर पूछते थे कि मैं हर चीज कोशिश करता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में ही दे दूँ। ठीक है दोस्तों, बाकी NIT कैलिकट के हॉस्टल लाइफ वगैरह के लिए एक अलग से मैं सेपरेट पूरा एक वीडियो लाऊंगा कॉलेज लाइफ के ऊपर, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। धीरे धीरे अच्छे अच्छे वीडियोस अब आने लगेंगे। अभी एक हफ्ते का गैप हो गया पर मैं उसको कंपनसेट करूंगा, जल्दी ही एक दिन के अंदर आपको दूसरा वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा जो मेरा वजह से गैप हुआ, आप लोगों ने वीडियो उतना एंजॉय नहीं कर पाया, मिस कर दिया, तो आप लोगों के लिए जल्दी से एक वीडियो और लाया जाएगा। बाकी देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। सिद्धार्थ लाइफ, नमस्कार।